जाते सब तो बात करने में अच्छा रहता है कि उन लोग वहीं अपनी जगह पे बैठेंगे। फिक्स प्लेसेस शुरू है ना दोनों तैयार हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है तैयार है। गैर जिम्मेवार तैयार नहीं हूँ। लगा रहे ना वो लगा रहे। आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल से स्वागत करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश उद्योग प्रधान देश नहीं है। इस देश की संस्कृति देखें या आज के दिन में भी देश की सबसे बड़ी आबादी की जीवन निर्वाह के लिए जो आय के लिए साधन देखे तो वो कृषि है। चुनाव के वक्त आज के प्रधानमंत्री जहां जहां भी जाते थे कहते थे, मित्रों किसान को दाम नहीं मिलता मेरा दिल जलता है। जितनी लागत आती है उसमें 50% जोड़ लो, वो न्यूनतम मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। किसान के लिए बहुत वादे हुए थे, पर आज जगत का तात दिल्ली की सड़कों पे न्याय की बुहार लगा के घूम रहा है। इससे पहले पुणे से बंबई तक बड़ी तादाद में किसान अपने न्याय के लिए लड़े। आज 200 ऑर्गेनाइजेशन छोटे मोटे जो किसान के हित पे काम करते हैं वो साथ मिलके ये सरकार, अहंकारी सरकार, मोदी शाह की जोड़ी वाली सरकार किसान की बात नहीं सुन रही है। इसके लिए दिल्ली की सड़कों पे किसान आने के लिए मजबूर हुआ है। वक्त था आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन था, हमारा नारा था जय जवान जय किसान। जिस तरह से नीति रही भाजपा की, खास करके ये सरकार की, विदेश नीति ठीक नहीं, कूटनीति ठीक नहीं, किसान के लिए नीति ठीक नहीं, और आज हालत है मरे जवान मरे किसान। सरहद पे जवान शहीद हो रहे हैं और खेतों में किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। जहां जहां भी कांग्रेस ने किसानों की बात की और हमारी सरकार आई, हमने कभी जुमलेबाजी नहीं की। हम ये नहीं कहते कि चुनाव के वक्त कहते हैं, वो तो जुमले होते हैं, चाहे पंजाब हो चाहे कर्नाटका हो। किसानों का कर्जा भी माफ हुआ और किसान के लिए काम हुआ है। आने वाले दिनों में भी किसानों की चिंता जनता के आशीर्वाद से जहां सरकार बनती है हम करेंगे। मैं आज खास तौर पे जिस बात के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे बात करना चाहता हूं वो है, न्यूज़ एजेंसीज की खबरें आईं, 28 मछुआरे गुजरात के बॉर्डर के पास से, इंटरनेशनल सी के पास से पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी ने इसको अगवा कर लिया है, और उसमें आंध्रा के भी 8 हैं। हमने कभी
राष्ट्र की सुरक्षा पे राजनीति नहीं की है, पर कुछ चीजें ऐसी है कि जिसको देश के हित में आप सबके सामने रखना जरूरी है। गुजरात का दरिया किनारा पाकिस्तान से बिल्कुल बगल में है, डिस्टेंस नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए वन, चिंता की। 2005 में CSS कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम बनाई गई। इसकी तहत यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने करोड़ों रुपये गुजरात गवर्नमेंट को दिए कि आप अपना कोस्टल सिक्योरिटी का काम मजबूत कीजिए। 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक राज्य की मरीन सिक्योरिटी को ये काम देखना होता है। पैसे स्टेट को दिया गया, आज के प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। करोड़ों रुपये मिलने के बाद और बहुत सारे ऐसे संसाधन, नाइट विजन कैमरे, स्पीड बोट्स जनरेशन 5, बहुत ही मॉडर्नाइज स्पीड बोट्स गुजरात को दी गई। और आप देखिए, मोदी जी वहां सीएम थे तब भी, आज मोदी जी पीएम है तब भी, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो मॉडर्नाइज स्पीड बोट दी गई वाड़ीनार कोस्टल पुलिस स्टेशन के ऊपर, बाहर निकाल के रख दी है, पड़ी है ऐसे ही। दूसरी है सोमनाथ कोस्टल सिक्योरिटी पोस्ट पे, ऐसी ही पड़ी है। गुजरात के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आया और सीएजी ने सारे कोस्टल सिक्योरिटी पोस्ट का मायना लिया, जाके देखा वहां पे। जिन बोट्स को दरिया में जाके नाइट पेट्रोलिंग करनी थी, वो बोट्स नाइट पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। जहां पे स्पेशल इंटेलिजेंस फॉर कोस्टल सिक्योरिटी करना था, कोस्टल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के लिए बाकायदा पैसे दिए गए भारत सरकार की ओर से, मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे, कोस्टल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी अलग से नहीं बनी। जो दरिया किनारे पुलिस स्टेशंस बनने थे, वो वहां से हटा के बनासकांठा में, जहां कोई दरिया नहीं लगता है, 300 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पुलिस स्टेशन लगा दिए। सीएजी कहते हैं कि सारा दरिया किनारा खुला का खुला छोड़ दिया। ये 2005 में पैसे दिए गए थे, तब तक अगर ठीक करते, हमने कभी आतंकवाद पे राजनीति नहीं की। मोदी जी राजस्थान में जाते हैं, चुनाव के वक्त कहते हैं कि बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार थी। अब ये सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार ने पैसे दिए थे कि गुजरात की हर बोट पे आप नेविगेशन वेसल ट्रैकिंग सिस्टम लगाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, पर कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा गया और काम नहीं हुआ। वरना बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए बोट गई थी पोरबंदर की, कुबेर नाम की बोट। अगर उस कुबेर बोट में वेसल ट्रैकिंग सिस्टम होता, मोदी जी की सरकार ने वो लगाया होता, तो पाकिस्तान के आतंकवादी कुबेर बोट को लेके बंबई पहुंच नहीं सकते थे। वेसल ट्रैकिंग से गुजरात के बॉर्डर पे रहे हमारे सिक्योरिटी को पता चलता, नेवी को बताते, आतंकवादी बंबई तक पहुंच ही नहीं सकते थे। माने पाप करो आप, और आपके पाप का भांडा भी हमारे सर पे फोड़ो आप। ये सीएजी के रिपोर्ट की मैं आपको कॉपी दे रहा हूं, जिसमें वेसल ट्रैकिंग सिस्टम, बोट्स की पोजीशंस, कोस्टल सिक्योरिटी की हालत क्या है। अब देखिए, सारे हर पुलिस कोस्टल पुलिस स्टेशन पे जो बोट्स बाहर पड़ी है,
उसके सारे पिक्चर सीएजी ने दिए हुए हैं, और सीएजी ने लिखा है कि आपको अलग जेटीज बनानी थी ताकि पाकिस्तान नजदीक है, आपकी मूवमेंट को दुश्मन देश को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए आपकी डेडिकेटेड जेटीज होनी चाहिए। गुजरात ने वो जेटीज नहीं बनाई, और मछुआरे जिस जेटीज से जाते हैं वहीं से सिक्योरिटी की बोट चलाते हैं। कैग ने लिखा कि इसका मतलब ही नहीं रहता है, अगर सैकड़ों बोटों के बीच में आपकी बोट जैसे ही निकलेगी उसमें से कहीं ना कहीं दुश्मन को भी पता चल जाएगा कि अभी आपकी बोट पेट्रोलिंग में इस दिशा में गई और इस वक्त वापिस आई, मतलब ही नहीं रहेगा। ये सब कुछ सीएजी ने कहा। मैंने खुद एक खुफिया लेटर लिखा था मोदी जी को कि भैया ये सीएजी कहता है, आप तो अपनी पब्लिसिटी में बिजी रहते होंगे तो सीएजी आपने देखा नहीं होगा, आपके लोग तो आपको बताते नहीं है, तो इतना कीजिए। फिर भी आज तक ये नहीं हुआ है, और इसी की वजह से कल 28 मछुआरे पाकिस्तान मरीन हमारे वहां से उठा के ले गई। तो इसका जवाब दे मोदी जी कि इसके लिए ये काम खुद के होते नहीं हुआ, मुख्यमंत्री होते, आज प्रधानमंत्री होते ये काम नहीं हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी गंभीर अनियमितता आपने क्यों दूर नहीं की? आतंकवाद के खिलाफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के बजाय गुजरात की सरहद आतंकवादियों के लिए खुली रहे और हमारे मछुआरे को वो उठा के ले जाए, ऐसा क्यों? अपनी और टाइट सिक्योरिटी रखो। आपका इतिहास रहा है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकना चाहिए आपके आसपास, और आपकी कोठी के सामने ही अक्षरधाम है, वहां आतंकवादी आ सकते हैं, अक्षरधाम पे हमला हो सकता है। क्या ये आपकी देश की सुरक्षा के लिए की चिंता है? मैं इन सवालों का उनसे जवाब चाहता हूं, और आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। मैं आप लोगों को ये जो सीएजी का रिपोर्ट है जिसमें सारी चीज़ें हैं वो आपके ईमेल पे हमारा मीडिया डिपार्टमेंट आपको भेज देगा, मेरी वेबसाइट पे भी ये पूरी डिटेल्स के साथ ये चीज़ लगा दूंगा। देखिए, हम आतंकवाद पे राजनीति नहीं करते हैं, पर क्योंकि मोदी जी राजस्थान में दो दिन पहले बोल के आए, आतंकवाद या जो की चीज होती है, भाजपा की सरकार थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, यहां से आतंकवादी को बाहर छोड़ने गए। कारगिल हमारा है, भाजपा की सरकार होते हुए पाकिस्तानी सैन्य वहां घुस आया, पर हमने कभी भी सरकार पे हमला नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम सरकार के साथ विरोध पार्टी में होते हुए खड़े रहे थे, और आज मोदी जी बंबई हमले के लिए जो बात करते हैं, आतंकवाद पे राजनीति करते हैं। मना करती थी सिक्योरिटी एजेंसी के भैया अभी आप पॉलिटिक्स करने का मतलब नहीं है, फिर भी गुजरात के मुख्यमंत्री बन के होटल के सामने कैमरे के सामने राजनीति करने लगे थे। तो सच्चाई जो कैग के रिपोर्ट की है वो मैंने दिखाई कि वैसल ट्रैकिंग सिस्टम होता, बंबई का हमला रोका जा सकता था, गुजरात की कोस्टल सिक्योरिटी मजबूत होती, पोरबंदर की कुबेर बोट लेके आतंकवादी बंबई तक नहीं पहुंच सकते थे, और उस वक्त आज के प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री थे। इन बातों को छिपाते हुए जब उन्होंने राजस्थान में, जब उनको काम के नाम पे, राम के नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, तो आतंकवाद के नाम पे वोट लेने की कोशिश की, तो मैंने ये सच्चाई रखी है। ये जरूर कैग का रिपोर्ट कहता है कि कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम करोड़ों रुपये गुजरात सरकार को 2005 में दिए गए,
ये काम ठीक होता तो आतंकवादी हमला रोका जा सकता था। देश आजाद हुआ तब कांग्रेस पार्टी तब से भारत माता की जय बोलती हैं। अगर आप पुराने कोई, उस वक्त तो ये वीडियो कैमरेज नहीं थे, पर फिल्म देख लेंगे तो पता चलेगा। हमने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तब अमित शाह की विचारधारा अंग्रेजों के विटनेसेस बनके स्वतंत्र सेनानी के खिलाफ गवाही देते थे। अमित शाह जी को दिखाई नहीं देती है सच्चाई, अपना बेटा 50,000 की कंपनी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 करोड़ की कैसे बना चुका, वो स्कीम सिखा दे, दूसरी राजनीति ना करे। देश के युवाओं को कहते हैं कि पकोड़ा बनाना भी रोजगार है, तो जय शाह को पकोड़ा बनाना सिखा दे और इस देश के युवा को 50,000 में से 80 करोड़ कैसे बनते हैं वो स्कीम बता दे। देखिए, जैसा कुएं में होता है कहा जाता है कि वैसा ही नल में आता है। जिनके आका दिल्ली में बैठ के अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको कैसे बेदखल कर दो, उसी में लगे रहते हैं। जब हरेन पंड्या सच बोलने की कोशिश करते तो उनकी भी हत्या होती है। तो कुएं में ऐसा है तो नल में ऐसा ही आएगा। बीजेपी के नेता की यही मानसिकता है तो बीजेपी के विधायक इसी मानसिकता के साथ कर रहे हैं और यही भाजपा का चाल चलन और चरित्र है। देखिए, बिहार में एक अनहोली अलायंस चल रहा है। पहले जिन्होंने सुशासन बाबू अपने आप को कहलाने की कोशिश की थी, वो कुशासन बाबू अब बन गए हैं। विचारधारा का तालमेल नहीं है, लूट चलती है बिहार में, आतंक चलता है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी परिस्थिति आप देख लीजिए, बेटियों बच्चियों पे रेप होते हैं, भ्रष्टाचार जैसे कि एक संस्कारिता हो गई है जेडीयू और भाजपा के नेताओं का। ये धर्म है कि भ्रष्टाचार करना हमारा अधिकार है। सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत कड़े लफ्जों में इन बातों को हाईलाइट किया है। सारे शेल्टर होम में जो परिस्थिति हुई, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी शेल्टर होम की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की है। तो यही दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर हो वो भी ठीक नहीं, और सीएजी के रिपोर्ट के तहत बीजेपी और जेडीयू की वहां खुली लूट चल रही है। देखिए, ईडी और इनकम टैक्स अमित शाह और मोदी की डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के हाथ बन गए हैं। अब पूरे देश में भाजपा को मोदी जी के कारनामों की वजह से, मोदी जी के राफेल से लेके हुए भ्रष्टाचार, किसान से लेके युवा सब परेशान, 5 राज्यों में चुनाव बुरी तरह हार रहे हैं, तो ये डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के जरिए ऐसी बातें करते हैं तो कोई और इंसान को तो नहीं, अब भगवान को भी जात में बांट रहे हैं। ये भाजपा इस हद तक उतर आई है। मैं आपको कहना चाहूंगा, एक कंपनी 10 साल पहले दूसरी कंपनी को जमीन बेचती है, फिक्स जो दाम होता है उससे कम में नहीं, गवर्नमेंट
की तय प्राइस से ज्यादा में बेची जाती है जमीन, उस वक्त पे खरीदने वाली कंपनी को एक तीसरी कंपनी थोड़ी सी लोन देती है, जिस कंपनी का केस चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस केस में वो कंपनी जीत जाती है। अब समझिए मेरी बात, अगर वो कंपनी गलत तरीके से जीती थी उस वक्त, तो 5 साल से तो आप शासन में हो, आप अपील कर देते उस इनकम टैक्स के केस में जो भी जजमेंट आया था उसके खिलाफ अपील करना तो मोदी सरकार का काम था, 5 साल से वो शासन में थे, अपील कर लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। असली चीज तो ये है कि ईडी और इनकम टैक्स को ये डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट की तरह यूज करते हैं, और मुझे दुख है कि इनकम टैक्स और ईडी की प्लांटेड ऐसी चीजों को लेके एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस जैसा, जिसमें एक स्टोरी प्लांट करवाते हैं और उसी स्टोरी के आधार पे चुनाव के माहौल में ऐसी बात कर रहे हैं जिसका ना कोई, जिसमें ना दम है, जिसमें ना सच्चाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में अगर कुछ गलत हुआ था तो 5 साल में अपील हो जाती, अपील करने के लिए आप ही बैठे थे, मोदी जी खुद सुल्तान है देश के, तो ये सुल्तान अपील कर देते। अमित शाह जी के वो पता नहीं दो में से कौन आका है, पर वो मिलके कर लेते, पर ये करना नहीं, और बिना वजह की नॉन इश्यू को इश्यू करके लोग ये भूल जाए कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम क्यों आसमान पे चले गए, 2 करोड़ नौकरियां की जगह आज नौकरी ही नहीं है, अच्छे दिन अमित शाह के बेटे के अलावा किसी के आए नहीं, काला धन आया नहीं, 15 लाख अकाउंट में गए नहीं, और मोदी के दोस्त नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, माल्या लूट लूट के बाहर चले गए, इसकी चर्चा ना हो, इसलिए ऐसे नॉन इश्यू को चुनाव के वक्त इश्यू बनाने की एक कोशिश है। थैंक यू भैया, मैं जांच लेके आपको संज्ञान करवा दूंगा इसके बारे में क्या है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान के लिए इस हद तक जाने की बात करनी पड़े, किसी भी चाहे जिसमें भी जान है कोई भी हो, उसके लिए सबसे प्यारी चीज होती है अपनी जिंदगी। जब किसान ये कहता है कि मैं आत्मविलोपन हम मास में आके करेंगे, मैं मानता हूँ इससे बड़ा चिंता का विषय कुछ भी नहीं होना चाहिए। अमित शाह और मोदी का अहंकार 7वें आसमां पे है, जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी अहंकार नहीं टिका था, तो इनका भी नहीं टिकेगा। किसान को हम कहते हैं जगत का तात, उनको इस हद तक जाने के लिए कहना पड़े वो भाजपा के लिए शर्म की बात है। इनके साथ डायलॉग करना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, इन मांगों का हम भी समर्थन करते हैं। देखिए एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, एक इधर जाएगा दूसरा उधर जाएगा, देश की जनता भोली ज़रूर है पर इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। ये चुनाव के वक्त राम होते हैं, याद आते हैं, फिर राम को राम राम कर देते हैं, इन्हें ना ये ना राम के हैं, ये ना रहीम के हैं, इसको राम का मरे या रहीम का मरे, अपनी वोट बैंक भरे, इसके अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक सोची समझी साजिश है। देश में चाहे किसी का भी नुकसान हो, वो हिंदुस्तानी का नुकसान है, इस बात को ये समझते नहीं है, शासन में फेल रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला, गाली के अलावा लोगों में आक्रोश है, इसलिए ऐसी बात करके
देश भले ही बर्बाद हो, हमारी वोट बैंक मजबूत हो जाएगी, ये मान के कोशिश कर रहे हैं, पर देश की जनता इनको अब कामयाब इसमें नहीं होने देगी। थैंक यू।